एक्सरसाइज 2.4 बहुत आसान एक्सरसाइज है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर फॉर्मिंग देयर सेट्स ऑफ मल्टीपल्स। बहुत ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है। आपने इसमें अगर आपको टेबल्स याद हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेट्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 15, पहले आप बना लें सेट्स ऑफ मल्टी प्लस ऑफ 25, ठीक है। तो आप पहले इसको कर्ली ब्रैकेट में आप लिख लीजिएंगे, ठीक है। तो फिर इसका एलसीएम आप जो है वो क्या होगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे कम, सबसे पहले जो आपने इसमें, सबसे सिंपल सी बात है कि इसमें टेबल लिखना है आपने। आप 15 का टेबल अगर आपको याद होगा तो आप कर सकते हैं। तो 15 वन द 15 टू द 30 मल्टीपल्स लिखने, यानी 15 के मल्टीपल में 15 के टेबल में क्या कह रहा है, 45 60 75 100, सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा, चलते रहने देना। फिर आपने 25 पर लिखना है, 25 50 आता है, फिर 75 अगर आपको टेबल याद है, फिर 100, फिर सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। आपको पता है, लेकिन जो आपको लगेगा शुरू में ही आपकी कोई चीज़ सेम हो जाए तो आप रोक दें, 5 तक टेबल भी सेम हो जाए तो आप रोक दें। देखिए हमारे पास ये चीज़ सेम हो रही है यहाँ पे, देखें ये 75 और 75 सेम हो गए, इसलिए मैंने रोक दिया, ब्रेक लगा ली, ठीक है। तो आप जब सेम हो जाए तो आप इसको रोक दें, ठीक है। सेवेंटी फाइव हो गया, ठीक है, आपने इसको रोक दिया। अब आप क्या करें, 75 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया इसका एलसीएम क्या हो गया, 75, ठीक है, आपका ये हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट वाले 11 22 और 44, पहले फिर आप इसका दोबारा वही कहेंगे, सेट्स ऑफ मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 11, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 22, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 44, ठीक है। 11 के टेबल तो बहुत आसान है, 11 22 33 44 55, और सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। इसी तरह 22 44 66 88, ये इसका टेबल है, ठीक है, तो आप ये सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। इसी तरह इसका 44 का 44 88 132 176, आपने इसको बार बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा। 44 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर 44 को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 44 को ऐसी तरह करते रहें, 44 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 44 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 44 को 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर 44 को 5 से करें, फिर 44 को 6 से करें, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आसान तरीका आप लोग करते जाएंगे। फिर 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करें, इस तरह करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ गया, लीस्ट कॉमन फैक्टर आपके मल्टीपल्स क्या आया आपके पास, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स आपके पास आ गया 44, क्योंकि तीनों में 44 सेम हो रहा है, ठीक है। आसान सवाल है, आपको इस पहले सवाल में आपने ये करना है कि इसमें आपको टेबल्स याद होने चाहिए, आपने इसके मल्टीपल्स लिखने हैं, मल्टीप्लाई के बाद जो तीनों टेबल, जो भी दो सवाल, दो क्वेश्चन हैं तो तीन है, तो जो भी उनमें जो पहली चीज़ लीस्ट ना, मतलब पहली तो जो चीज़ कॉमन हो जाए तो वही इसका आंसर होता है। अब नेक्स्ट सवाल में हमारे पास है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ फैक्टराइजेशन। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि आप ये पहले भी कर चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो आपने पहले 25, क्योंकि ये आप कर चुके हैं, 25 का एलसीएम निकालेंगे, ये आप कर चुके हैं पहले भी, बस इसका थोड़ा मेथड अलग हो जाता है थोड़ा सा, 2 15 30 होता है, 3 5 15 और 5 1 5, ठीक है। तो फिर आपने 25 का एलसीएम निकाला तो आपके पास 5 × 5 आया, और 30 का एलसीएम निकाला तो 2 × 3 × 5 आया, ठीक है। तो आपके पास कॉमन क्या आया, 5 आया, तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, क्योंकि जो चीज़ कॉमन होती है उसको एक दफ़ा लिखते हैं, और बाकी जो बच जाता है इसमें ये चीज़ है बस, 2 और 3, जो इसमें बच जाता है बस उसको लिखते हैं, मतलब ये जो चीज़ कॉमन होती है उसको एक दफ़ा लिखते हैं, बाकी ये 5 बचा 5 लिखा, 2 बचा 2 लिखा, 3 बचा 3 लिखा, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 और 2 3 6, 6 और 25 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150, ठीक है। आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 25 2 फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा, ठीक है। और जो चीज़ कॉमन होती है उसको एक दफ़ा लिखते हैं, फिर 5 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, ठीक है। फिर इसी तरह नेक्स्ट सवाल आपने करना है, इसका भी 2 का एलसीएम निकाला, 2 1 2, ठीक है।
फिर 6 का एलसीएम निकाला 2 3 6 और 3 1 3, फिर 10 का एलसीएम निकाला 2 5 10 5 1 5, फिर 12 का एलसीएम निकाला 2 6 12 2 3 6 और 3 1 3, ठीक है। फिर इसका 2 का फिर आपने इसी तरह करना 2 आया, 6 का निकाला तो 2 × 3 आया आपने, फिर 5 का निकाला और 10 का निकाला तो आपके पास 2 × 5 आया, और आपने 12 का निकाला तो आपके पास आया 2 × 2 × 3, ठीक है। 5 सही से लिख दूँ क्योंकि बाद बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब आपके पास ये देखें 2 कॉमन हो गया, सॉरी आपके पास 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, ठीक है। और यहाँ से 3 भी कॉमन हो गया, इसमें 2 भी कॉमन ले लेते हैं एलसीएम में, ठीक है। अब 2 कॉमन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 5 था, 2 5 10, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम क्या निकालेंगे, यूँ करके 2 आ गया और 3 जो पहले कॉमन होता तो उनको निकल दिया दिया करें, फिर आपके पास 5 बचा और फिर 2 बचा, तो 2 3 6 6 5 30 32 60, ठीक है। इसका एलसीएम 60 है, इसका आंसर 60 है, ठीक है। आपने पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 से क्या किया, और पहले 2 का किया, और यहाँ पर 3 2 का भी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर 2 कॉमन आए तो 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं। आप एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छी तरीके से बाकी जो सवाल है।